अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। जो आज का मेरा टॉपिक है, ये जो पौधा आपको नज़र आ रहा है, ये पहले मैंने सुना था, लेके आने से पहले ये वैरायटी मैंने सुना था, ये सकुलेंट प्लांट इसका नाम है, कि ये जी ख़राब हो जाता है। काफ़ी लोगों की कंप्लेनें होती थी, लेकिन ये जब से मेरे पास आए, किसी का तो मुझे पता नहीं, जो जितने मैंने सेल किए हैं, लेकिन ये अभी इसको इसका जो ख़राब होने का मौसम है वो भी गुजर चुका है। और बिल्कुल मैंने इसको ओपन रखा, बाहर रखा, ये पौधा बिल्कुल अभी तक कामयाब है। जैसे सर्दियों में हल्का सा ये वाला आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, हल्का सा फ़र्क इसको महसूस हुआ है, लेकिन ये ख़राब बिल्कुल नहीं हुआ। इसकी ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, अच्छी ग्रोथ चल रही है। इसके अलावा जैसे कि आप चाहें तो अगर इसके बच्चे, मैंने जो इसको कोई इसके अंदर कोकोपीट वगैरह मैंने इस्तेमाल नहीं की, हाँ ये मैं मान लेता हूँ कि कोकोपीट के अंदर कुछ लोगों ने लगाए होते हैं, वक्ती तौर पर ये खूबसूरत लगते हैं, लेकिन कोकोपीट के अंदर ये ख़राब होते हैं। इसीलिए मैं कोकोपीट की तारीफ़ नहीं करता हूँ, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक बंदा मुलाजम मांगती है, मुलाजम रखा हो जो उनको बार बार वाटरिंग करे, उसका ख्याल रखे, उसके लिए जाके थोड़ा सा ये ठीक रहता है। लेकिन ये है कि आपने ये हर वक्त ये गार्डन की तो ड्यूटी नहीं करनी, आपके 100 काम होते हैं, घर के छोटे छोटे से काम होते हैं, अगर मौका मिलता है, फुर्सत मिलती है, उनके मुताबिक ही आपने पौधों को संभालना होता है। तो ये मिट्टी का ही काम है, मिट्टी जो है, इसके अलावा जो है ये डीकम्पोज गोबर खाद होती है। अगर जिस तरीके ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये एलोवेरा लगाया है, जो मैंने खाद तैयार की हुई उसमें ये मैंने ड्रैक लगाया हुआ है बगैर मिट्टी के, और बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो इसी तरीके से, क्योंकि इसके अंदर टम्परेचर होता है, इसके अंदर जरासीम होते हैं, जिस तरीके ये खाद की जितनी भी ये तैयार है ये इसको पावर देती रहती है। तो कोकोपीट के अंदर कोई इस तरीके की मकदार चीज़ होती नहीं है, वो एक फोग सा होता है, वक्ती तौर पर वो जड़ चलाता है, उसके बाद उसका एंड हो जाता है, फिर वो जेलस करके उसी पौधे को ख़त्म कर देता है। उसकी कोई क्वालिटी मैंने ना आज तक देखी है, ना ही कोई क्वालिटी उसकी है। बाहर के मुल्क में उसकी क्वालिटी ज़रूर है, जैसे हमारे पंजाब और पाकिस्तान के अंदर मिट्टी की क्वालिटी है, इसी तरीके से वो बाहर के मुल्क में वो चलती है। वहाँ पर कुछ पौधे उसमें लोग लगा के, जैसे कि किसी और मुल्क में भेजने हो तो उनका ज़रा वेट कम होता है, तो यहाँ आके फिर हमारे जैसे जो माली हैं, ये जो कारीगर बंदे होते हैं, मेरे पास इसी तरीके से क्रोटन बाहर के पौधे जो आते हैं ना, उनके ऊपर पहले मैं सर्च करता हूँ ये क्या चीज़ मांगते हैं, क्या पसंद करते हैं, उनके मुताबिक फिर केयर जो है वो उसकी जो उसका तजर्बा है वो मेरे हाथ में आ जाता है। इसी तरीके से ये सकुलेंट प्लांट जो मैंने लगाया हुआ आपको नज़र आ रहा है, आप यकीन करें कि मैंने इसको ये मिट्टी के अंदर और वो जो मैंने खाद आपको मैंने दिखा भी दी है, बताया हुआ है, वो ही खाद मैंने उस इस मिट्टी के अंदर डाली है। डालने के बाद इसको मैंने तैयार किया, इसी मिट्टी के अंदर लगे हुए हैं, जो मेरे पास कुनाली के अंदर लगे हुए हैं वो अलग हैं। अगर मैं इसको अभी इसकी थोड़े दिन के बाद मैं इसकी कटिंग लगाऊंगा, ये जो बच्चे हैं इनको अलग अलग छोटे पॉट के अंदर लगा दूँगा, फ़िलहाल के लिए अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ। तो ये लोगों के कहने पर जी ये ख़राब बड़े होते हैं, तो ये मैंने उनको चेक करवाया कि ये ख़राब होता है या नहीं होता। इसका साल मेरा लगा है इस पर, जब से मैंने ये नर्सरी शुरू की थी उस वक्त ये लेके आए थे, तो अभी भी मेरे पास ये कामयाबी के साथ मेरे पास मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है। इंशाल्लाह जो भी अगर मेरे से डिलीवरी मांगता है या लेता है, इसी तरीके से मैं पौधों के बारे में उनको गाइड करके बता देता हूँ कि आप इसको इस मटेरियल में लगाएँगे तो आपका पौधा कामयाब भी रहेगा, इसकी ग्रोथ भी अच्छी चलेगी और ये बेहतरीन चलता रहेगा। सारी चीज़ें मैं जो है उनको समझा के प्लांट देता हूँ, डिलीवरी करता हूँ या मेरे पास ख़ुद लेने आए, मैं इसी तरीके से इंशाल्लाह उनको समझाता हूँ। जो सकुलेंट प्लांट है, आप ये जहन में रखें, पक्की मिट्टी, बालू मिट्टी मिक्स करके, डीकम्पोज गोबर खाद मिक्स करके आपने उसके अंदर इसका पौधा लगाना है। अगर आपने छोटा पौधा लगाना हो तो उसकी कम से कम 1.5 इंच जो है वो मिट्टी के अंदर जाए, और बार बार इसको छेड़छाड़ नहीं करनी, उसी जगह पर टिका रहे। अगर आप इसको पत्तों से ग्रो करना चाहते हैं तो पत्ते जो है ये पत्ता उतार के आपने एक साइड पे रख देना है, उस जगह पर रखना है जिस जगह पर मिट्टी की थोड़ी सी नमी बनी रहे। उसके अलावा इसके ऊपर आप थोड़ा सा शावर कर दिया करेंगे तो जो जो इसके पत्ते हैं इसे भी ये ग्रो कर जाता है, लेकिन थोड़ा सा पौधा बनने पर टाइम लगता है, पौधा बन ज़रूर जाता है। वो आप इस तरीके अगर लगाते हैं, उसके अलावा फिर आप जो है ना इसको ज़्यादा वाटरिंग पसंद नहीं है, आप वाटरिंग इसको कम करें। इसके अलावा फिर आप इसको कनाली के अंदर लगा सकते हैं, प्याले के अंदर लगा सकते हैं, छोटे किसी पॉट के अंदर लगा सकते हैं, बहुत बड़ी जगह पर
बड़े पॉट के अंदर आप इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दरमियानी खुराक है इसकी, और दरमियानी चीज़ पर ये अच्छा लगता है और ग्रो अच्छी करता है। ठीक है जी, आज का मेरा इतने टॉपिक था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।